प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भागलपुर में गंगा पर बन रहा एक पुल अधूरा है तो दूसरे का अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। हाईवे का निर्माण भी फंसा है। उम्मीद भरा साल गुजरता गया और योजनाएं फंसी की फंसी रह गई। अब बारिश तक कोई उम्मीद भी नहीं है। समानांतर पुल 994.31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है। अंग क्षेत्र के लोगों के लिए यह पुल बड़ी राहत देगी। विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल निर्माण के लिए टेंडर संबंधित सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। दोबारा टेंडर में ठेका एजेंसी बहाल हो गई है, मगर चयनित ठेका एजेंसी के साथ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन नहीं हुआ है। गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य का भी क्लियरेंस नहीं मिला है। इस कारण समानांतर पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। पुल बनाने का काम एसपी सिंगला को मिला है। पुल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड पे बनेगा। ठेका एजेंसी में 1460 दिनों में यानी 4 साल में पुल बनना होगा। फरवरी 2021 में लॉर्सन एंड टूब्रो के नाम से टेंडर फाइनल हुआ था, लेकिन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह बताकर निर्माण पर रोक लगा दी गई थी कि पुल के स्पेन का फासला 100 मीटर नहीं था। मंत्रालय से कहा गया था कि अगर 100 मीटर स्पेन पर डिजाइन पर पुल बनना होगा तो 400 करोड़ रुपए अधिक चाहिए। मंत्रालय की बैठक में सहमति नहीं बनने पर टेंडर रद्द कर दी और रीटेंडर किया गया था। गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन सेतु निर्माण के लिए जमीन देने की प्रक्रिया में एक अड़चन आ गई है, जिसे दूर करने की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खरीक के अंचल अधिकारी ने जिला राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को यह रिपोर्ट भेजी है कि विक्रमशिला सेतु के पूरब समानांतर सेतु के लिए दी जाने वाली जमीन एक रायत के नाम से बंदोबस्त है। बंदोबस्त रद्द करने के लिए जिला राजस्व शाखा को भेजा गया है। इसका ट्रेस जिला भू अर्जन कार्यालय से किया गया है। बंदोबस्त रद्द होने के बाद ही जमीन ट्रांसफर हो सकेगी। यह भूमि समानांतर सेतु के रास्ते पर है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।